तो दोस्तों आज हो गया 30 मई 2023। यूपी समेत देश में सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेकर आए हैं सिर्फ आपके लिए। चलिए फाफर खबर शुरू करते हैं। उनसे चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फाफर चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2023 के फाइनल मैच में गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हरा दिया है। आपको बता दें कि 5वीं बार आईपीएल की ट्रॉफी पर अपना कब्जा भी जमा लिया है। आपको बता दें कि आईपीएल में महेंद्र सिंह धोनी ने बतौर कप्तान इतिहास रचते हुए मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा के एक महारिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। आईपीएल के इतिहास में चेन्नई सुपर किंग्स के स्टार महेंद्र सिंह धोनी ने 5 आईपीएल खिताब जीतने वाले दूसरे कप्तान बन गए हैं। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को सोमवार को बड़ा झटका लगा है। राज्य विधानसभा में पार्टी के इकलौते विधायक बायरन विश्वास सोमवार को सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। उन्होंने टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की मौजूदगी में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी का दामन थामा है। संयुक्त विपक्ष को लेकर नीतीश कुमार के फॉर्मूले पर कांग्रेस भी राजी होती नजर आ रही है। विपक्षी एकता की बात करते हुए कांग्रेस ने प्लान 450 पेश किया है। असल में साल 2024 में भाजपा के खिलाफ विपक्षी एकता की तैयारी जोरों पर है। इसको लेकर 12 जून को विपक्षी दलों की बैठक भी होने वाली है। आपको बता दें कि इस बैठक से पहले पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो करीब 400 से 450 सीटों पर विपक्ष भाजपा के खिलाफ अपना संयुक्त उम्मीदवार उतार सकता है। योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई, लापरवाही पर यूपी भवन के व्यवस्था अधिकारी समेत 3 हुए सस्पेंड। जी आपको बता दें कि नई दिल्ली के यूपी भवन में लापरवाही के चलते 3 अधिकारियों पर योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। यौन शोषण का आरोप सामने आने के बाद राज्य संपत्ति विभाग ने व्यवस्था अधिकारी और 2 अन्य कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। तीनों पर अपने दायित्व के निर्वहन में लापरवाही बरतने का आरोप है। रामपुर पुलिस ने सपा के राष्ट्रीय महासचिव आजम खां पर शिकंजा कसा है। कोतवाली पुलिस ने आरपीएस की मान्यता के फर्जीवाड़े में भारी भरकम चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की है। पुलिस ने इस मामले में आजम खां के साथ ही उनकी पत्नी डॉक्टर तजीन फातिमा और बीएसए दफ्तर में तैनात एक बाबू को भी आरोपी बनाया है। आपको बता दें कि इस मामले में दूसरी चार्जशीट दाखिल की गई है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि नीतीश सरकार को नरेंद्र मोदी सरकार के बड़े बड़े काम भी नहीं दिखते हैं। आज़ादी के 75वें साल में देश को भव्य संसद भवन मिलना कोई काम नहीं है क्या? बिहार में 54,000 करोड़ की लागत से 6 लेन सड़कों का निर्माण कार्य भी कोई काम नहीं है क्या? सोमवार को जारी बयान में उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार ने 2,000 करोड़ खर्च कर पटना के गांधी सेतु को अपग्रेड कराया और नियमित महाजाम से मुक्ति दिलाई, क्या ये कोई काम नहीं है? दिल्ली पुलिस ने रविवार को जंतर मंतर पर पहलवानों के विरोध प्रदर्शन के आयोजकों और उनके समर्थकों पर दंगा करने के आरोप में FIR दर्ज की है। दिल्ली पुलिस ने बयान जारी कर ये जानकारी दी है। पुलिस ने कहा है कि पहलवान बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और अन्य आयोजकों के खिलाफ FIR दर्ज किया गया है। अनुमति नहीं होने के बावजूद कुछ पहलवान रात को जंतर मंतर पहुंचे थे, उनको वापस भेज दिया गया है। समाचार एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सरकारी कर्मचारियों के काम में बाधा डालने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब अर्दोगान ने आम चुनाव में एक बार फिर से जीत हासिल की है। उन्होंने विश्वास जताने के लिए देश के नागरिकों का आभार जताया है। कहा है कि ये तुर्कियों की जीत है। आपको बता दें कि 99% मतों की गिनती के बाद अघोषित नतीजे में एर्दोगान की जीत हुई है। इससे सत्ता में 20 वर्ष पूरे कर चुके एर्दोगान अगले 5 वर्ष भी देश के राष्ट्रपति बने रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को नए संसद भवन का उद्घाटन कर दिया है। इस मौके पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, कई दलों के नेता मौजूद रहे। हालांकि कांग्रेस, TMC समेत लगभग 19 विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उद्घाटन करवाए जाने की मांग को लेकर बायकॉट किया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद से अपने पहले भाषण में कहा है कि ये भवन देखकर हर भारतीय गौरव से भर गया है। इस भवन में विरासत भी है और वास्तु भी है, संस्कृति और संविधान के भी स्वर हैं। संसद के उद्घाटन के बाद राहुल गांधी बोले, इसे राज्य अभिषेक समझ रहे हैं PM जी। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि संसद लोगों की आवाज़ है। प्रधानमंत्री संसद भवन के उद्घाटन को राज्य अभिषेक समझ रहे हैं। वहीं विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संसद के नए भवन का उद्घाटन किए जाने के बाद रविवार को कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इस ऐतिहासिक कार्यक्रम से दूर रखा गया जो भारतीय जनता पार्टी और RSS के दलित, आदिवासी और पिछड़ा समुदाय विरोधी रुख को दिखाता है। दिल्ली में पहलवानों के आंदोलन का क्या होगा, अब इस पर सस्पेंस बन गया है। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर के पास से उनके तंबू टेंट उखाड़ दिए हैं।
इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि हम बैठकर बातचीत करेंगे और फिर ये तय करेंगे कि आगे क्या करना है। आपको बता दें कि दिल्ली के जंतर मंतर पर ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बैठे पहलवानों और दिल्ली पुलिस के बीच दिन भर रस्साकसी का खेल चलता रहा। इधर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत को दिल्ली पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर पर रोक दिया। संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू से नहीं कराए जाने को लेकर जेडीयू ने पटना में अम्बेडकर प्रतिमा के पास एक दिवसीय अनशन किया। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह भी इसमें शामिल हुए। अनशन के दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने केंद्र सरकार को जमकर कोसा। बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी को महिला आदिवासी दलित विरोधी बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नया संसद भवन देश को समर्पित कर दिया है। इस मामले पर एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। असदुद्दीन ओवैसी ने इस मामले में नीतीश कुमार और आरजेडी दोनों को निशाने पर लिया है। आपको बता दें कि एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आरजेडी के ताबूत वाले ट्वीट पर कड़ा एतराज जताया है। उन्होंने कहा है कि राजद का कोई स्टैंड ही नहीं है, इनकी विचारधारा बदलती रहती है। कभी खुद को सेकुलर बताते हैं तो कभी बीजेपी से निकले नीतीश कुमार के साथ मिलकर सरकार बना लेते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी जातीय दंगों की साजिश रचकर राज्य में मणिपुर जैसी स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने पश्चिम मेदिनीपुर जिले के शालबनी में एक रैली में कहा है कि मणिपुर में जातीय हिंसा के पीछे भाजपा का हाथ था। भाजपा पश्चिम बंगाल में समुदायों के बीच इसी तरह के दंगों को भड़काने की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य में जातीय दंगों को भड़काने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को तेलंगाना के अपने समक्ष केसीआर से हैदराबाद में मुलाकात की। उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं के नियंत्रण से संबंधित केंद्र के अध्यादेश का विरोध करने के लिए भारत राष्ट्र समिति का समर्थन मांगा है। बैठक के बाद अरविंद केजरीवाल ने बताया कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने आम आदमी पार्टी का समर्थन करने का भरोसा दिया है। उनका कहना है कि वो दिल्ली के लोगों को न्याय दिलाने के लिए दिल्ली सरकार के साथ है। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने शनिवार को 24 मंत्रियों को शामिल करके अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया है। इसी के साथ राज्य में पार्टी के सत्ता में आने के एक सप्ताह बाद मंत्रिमंडल के सभी 34 मंत्री पदों को भर दिया गया है। आपको बता दें कि राज्यपाल ने इन 24 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इन मंत्रियों में 23 विधायकों के अलावा एनएस बोस राजू शामिल है। कर्नाटक सरकार में मंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे के द्वारा दक्षिणी राज्य में आरएसएस और बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात कहने पर विवाद खड़ा हो गया है। कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष नलीन कुमार कटील ने प्रियांक पर पलटवार किया। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस बजरंग दल या आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश करती है तो वो जलकर राख हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार यानी कि आज नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। वहीं भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख ब्रिजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने रविवार को नए संसद भवन के सामने विरोध सभा आयोजित करने की धमकी दी है। इतना ही नहीं, करीब 20 विपक्षी दलों ने उद्घाटन समारोह का भी बहिष्कार करने का ऐलान किया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए लुटियंस दिल्ली में सुरक्षा